नमस्कार मैं प्रिय, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। पूर्व सीएम विजय रूपानी के इस्तीफे के बाद गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल ने शपथ ले ली है। आज राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बताते चले कि बीते दिन ही भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से पहली बार के विधायक भूपेंद्र पटेल को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। आज पत्रकारों द्वारा नीरज कुमार बबलू से जब पूछा गया कि रामविलास पासवान की बरसी में नीतीश कुमार नहीं गए, जबकि भाजपा नेताओं का तांता लगा रहा, इस पर उन्होंने कहा कि चिराग पासवान की किसी भी नेता से नजदीकी बढ़ सकती है, ये अलग बात है, लेकिन चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा है और आगे भी रहेंगे। रघुवंश बाबू की पहली पुण्यतिथि पर आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव काफी ज्यादा भावुक नजर आए। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि ब्रह्मा बाबू संघर्ष के दौर पर सहयोगी थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यूपीए सरकार के पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस का आज दोपहर 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बेंगलुरु के येनेपोया अस्पताल में आखिरी सांस ली। फर्नांडिस को इस साल जुलाई में योग का अभ्यास करने के दौरान सिर में चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें यहाँ अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। राजद विधायक और प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बिहार में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के पेट्रोल डीजल वाले बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री होकर इस तरह की बयानबाजी करना तानाशाही प्रवृत्ति को दर्शाता है। चर्चित चिट फंड घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री पार्थ चैटर्जी से पूछताछ करने के लिए सीबीआई की टीम आज उनके ऑफिस पहुंची, जिसके बाद आईकोर चिट फंड घोटाले में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बताते चले कि पार्थ चैटर्जी टीएमसी के महासचिव भी हैं। जनता दरबार में मधेपुरा से आए एक शिक्षक रूप नारायण यादव मुख्यमंत्री से बहस करते देखे गए। शिक्षक का कहना था कि मुख्यमंत्री ने उनकी पूरी बात ही नहीं सुनी और बगैर सुने ही शिक्षा मंत्री के पास जाने को कह दिया, इसलिए उन्होंने कहा था कि आपके पास आया हूं। कर संकट और खस्ता हाल होने के बाद एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज की उड़ानें थम गई थी, जिसके बाद अब एक बार फिर से उसके शुरू होने की उम्मीद जताई गई है। जेट एयर के नए मैनेजमेंट जालान कार्लॉक कंसोर्टियम ने कहा है कि अगले साल की पहली तिमाही में जेट एयरवेज की घरेलू उड़ानें फिर से शुरू होंगी। हरियाणा कांग्रेस के पाले में आज तीन बड़े नेता आ गए हैं। इनेलो नेता है भाजपा ने चुनाव लड़ने वाले बिजनेसमैन अशोक गोयला, मंगलावली और एलानाबाद से भाजपा के उम्मीदवार रहे पवन बेनीवाल ने सदस्यता हासिल की, तो वहीं पूर्व सांसद तारा सिंह के बेटे इनेलो नेता कंवरजीत सिंह ने भी दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। जम्मू कश्मीर के कारगिल और लद्दाख क्षेत्र में आज सुबह 9:16 के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। झटके काफी हल्के थे। जानकारी के मुताबिक किसी तरह की क्षति की खबर फिलहाल नहीं आई है। भारत के अपने सोशल मीडिया ऐप को अगले एक साल में अपने कर्मचारियों की संख्या को 500 तक बढ़ाने वाला है। ऐप के सह संस्थापक का कहना है कि फिलहाल 200 कर्मचारी हैं, जिसके तहत ये बढ़ाकर 500 किया जाना है। इसके लिए इंजीनियरिंग उत्पाद और सामुदायिक मैनेजमेंट टीम में नियुक्ति की जाएगी। हरियाणा जिले के फरीदाबाद में स्थित एक झरना 30 सालों के बाद अचानक से बहने लगा, जिसके बाद स्थानीय लोगों के बीच यह बात काफी फैल गई है कि अब यह चर्चा का विषय बन गया है। यह झरना अरावली पर्वतमाला से जुड़ा है और महाभारत के काल का बताया जा रहा है। दिल्ली में पराली से उत्पन्न वायु प्रदूषण को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार की गलती बताई है। उन्होंने कहा कि यह किसानों की गलती नहीं है, सरकारों की गलती है, क्योंकि समाधान उन्हें ही पेश करना था। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा किसानों बायो डिकम्पोजर मुफ्त में बांटने को लेकर उन्होंने कहा कि सर्वे में इसके बेहतर परिणाम आए हैं। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पोते इंद्रजीत सिंह आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इस अवसर पर इंद्रजीत सिंह ने कहा कि लंबे समय के बाद आज उनके दादाजी की मनोकामना पूरी हुई है। भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी टेस्ट मैच को भारतीय टीम के सहायक के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद रद्द कर दिया गया, जिसके बाद इस पर काफी विवाद चल रहा है। वहीं बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि संक्रमण के भय से टीम के खिलाड़ी इस मैच को खेलना नहीं चाहते थे। 6 देवताओं के बनेंगे मंदिर, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर परिसर में भगवान सूर्य, गणेश, शिव, दुर्गा, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित मंदिर तैयार किए जाएंगे। ये बातें राम मंदिर निर्माण समिति की तरफ से साझा की गई है। वहीं ये भी कहा गया है कि राम मंदिर की नींव का निर्माण अक्टूबर के अंत या नवम्बर के पहले सप्ताह तक पूरा हो जाएगा। सोमवार को सामने आए आंकड़ों के मुताबिक बीते एक दिन में देश भर में कोरोना के कुल मिलाकर 27,254 नए मामले सामने आए हैं और 219 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही 37,687 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं। एक दिन में एक्टिव केसों में 10,000 से ज्यादा की कमी आई है। अब देश में कुल सक्रिय केसेस 3,74,269 पर रह गया है।
यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने प्रस्ताव पास कर राहुल गांधी से अध्यक्ष पद संभालने की दूसरी बार अपील कर दी है, लेकिन अब भी कांग्रेस पार्टी में चुनाव करवाने को लेकर कोई हलचल नहीं दिख रही है। पार्टी के कई नेता संगठन चुनाव टालने के पीछे राहुल गांधी के रुख को स्पष्ट नहीं मानते हैं। पार्टी नेताओं को ये पता ही नहीं है कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में दगुड़ु शेठ हलवाई गणपति को इस वर्ष गणेश उत्सव के दौरान एक भक्त ने 10 किलो सोने से बना मुकुट भेंट किया है। खास बात यह है कि इस भक्त ने अपना नाम भी गोपनीय रखा है। बताया जा रहा है कि पुणे शहर के ही एक उद्योगपति ने चढ़ावे के रूप में सोने का मुकुट भेंट किया है। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन पाटीदार समाज में जबरदस्त प्रभाव देखने के बावजूद भी नितिन पटेल चौथी बार भी मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। हाल ही में गूगल अपडेट की घोषणा हुई है, जिसमें जीमेल इस्तेमाल करने के तरीके में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल जीमेल पर अब एक दूसरे यूजर के मोबाइल फोन पर कॉल करने और उसके साथ चैट करके ग्रुप डिस्कशन में शामिल होने और ऐसे ही कई फीचर्स जुड़ने जा रहे हैं जो जल्द ही अपडेट होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के विशेष दूत जॉन केरी भारतीय समकक्षों से बातचीत के लिए 12 से 14 सितंबर तक भारत के दौरे पर है। उन्होंने आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की और कहा कि भारत आर्थिक विकास और स्वच्छ ऊर्जा के साथ साथ चल सकती है। 450 गीगावाट तक पहुंचाए जाने में हम भारत के साथ साझेदारी करने के लिए तत्पर है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है। दरअसल आम आदमी पार्टी को 4 कंपनियों के जरिए चंदा देने का मामला सामने आया है, जो कि 2014 का है और ये कंपनियां फर्जी बताई जा रही है। दरअसल आरओसी ने 4 कंपनियों के जरिए आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ रुपए मिलने की शिकायत की थी। लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की बरखी पर सीएम नीतीश के नहीं जाने पर काफी बवाल हो रहा था, जिस पर अब बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर्गीय रामविलास पासवान को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सुबह सुबह श्रद्धांजलि देकर सामान्य शिष्टाचार का पालन कर दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह उल्लेखित किया गया है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ कितने व्यक्तियों की पहचान की गई है और कोविड-19 रोधी टीका लगाने के लिए उनका पंजीकरण किया गया, जो बेघर थे या नहीं, या जिनका कोई कानूनी संरक्षक नहीं था। भारत बायोटेक के कोरोना रोधी टीके कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी इसी सप्ताह मिलने की उम्मीद है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। वर्तमान में कोवैक्सीन WHO की आपातकालीन उपयोग सूची का हिस्सा नहीं है और इसी वजह से भारत के इस्तेमाल किए जाने वाले कोवैक्सीन टीके को कई देश द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची प्रियंका गांधी ने जहां एक तरफ कार्यकर्ताओं से मिशन 2022 के लिए कमर कसने की बात कही, वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं ने भी प्रियंका गांधी से चुनाव लड़ने की मांग की है। लोगों ने कहा, यदि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी तो मैं अन्य लोगों के साथ मिलकर उनका प्रचार भी करूंगा। खाद्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी जोमैटो ने बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी किराना डिलीवरी सेवा की दूसरी बार बंद करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी का मानना है कि ग्रोफर्स में उनके निवेश में उसके इन हाउस ग्रोसरी प्रयास की तुलना में बेहतर परिणाम मिलेंगे। विधानसभा में 5 तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा यानी कि नीट को रद्द करने की मांग वाला बिल विधानसभा में पास हो गया है। इसमें 12वीं के मार्क्स के आधार पर दाखिले की बात कही गई है। BCCI की तरफ से साफ कर दिया गया है कि क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में विराट कोहली ही कप्तान रहेंगे। कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने मीडिया में चल रही उन सभी बातों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि T20 विश्व कप के बाद कोहली सीमित ओवर की कप्तानी से इस्तीफा दे सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है पूजा कुमारी, राहुल कुमार, ओमकार सिंह, चंदन सिंह, महेश शर्मा, अनवर हुसैन, गजेंद्र सिंह, अब्दुल रहमान, ज्योति कुमारी, अमित प्रजापति, बादल कुमार, मनीष कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के वर्तमान माहौल को देखते हुए परीक्षाओं के आयोजन का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।